हेलो, एक बार हो रहा है। बिल्ली वाकई में इसकी मौसी बिल्कुल सही कही जाती है। इसी तरीके से जीप से जो है अपनी बॉडी को चाटते हैं, बिल्कुल बिल्ली और इसकी आदत बिल्कुल सेम है, देख सकते हो वीडियो। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भालू देखने को मिला गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दानिश मलिक। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर, और आज के इस ब्लॉग के अंदर हम आप लोगों को नैनीताल की खूबसूरत वादियों का व्यू दिखाने वाले हैं, और साथ ही नैनीताल जू का व्यू भी दिखाने वाले हैं कि नैनीताल जू के अंदर आप लोगों को कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, दो या तीन दिन तक लगातार हमारे चैनल पर आप लोगों को नैनीताल से जुड़े हुए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर वायरल न्यूज और ब्लॉग लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कमाल के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अब रूम वगैरह ले लिया, घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं कैसा नज़ारा रहता। दिखाता रहूँगा सब कुछ आप लोगों को ब्लॉग के साथ। बाकी बालकनी से व्यू बहुत अच्छा है पहाड़ों का चारों तरफ का, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और यहाँ पर ठंड भी, मौसम भी बिल्कुल ठंडा है। तापमान ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 29 डिग्री होगा, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये नज़ारा है रूम के पास का, बालकनी से यहाँ पे रूम लिया जा रहा है आज। ये माल रोड पर झील के बिल्कुल बराबर में ही है। दोस्तों, अब आ चुके हैं हम लोग झील के किनारे। ये आ चुकी है नैनी झील, माशाल्लाह वाकई बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और ये सामने चर्च है। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को नैनीताल के खूबसूरत व्यू। ये रास्ता है जू की तरफ को जाने वाला। चलते चलते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। मेंबर है 5, चाहते तो बाइक वगैरह भी मिल रही है यहाँ पे, स्कूटी भी मिल रही है, उसमें भी जा सकते थे, लेकिन एक स्कूटी पे या बाइक पे 3 जने हो जाते, वो अलाउ नहीं है। इस वजह से पैदल ही जा रहे हैं, कारों में जाते नहीं हैं। बहुत उल्टी सीधी चलाते हैं यहाँ के लोकल बंदे, डर लगता है भाई। और ये अल्टो ही चलती हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, और ऐसे चला देते हैं, उंगलियों पर नचा देते हैं, भाई तुम्हारे भाई का दिल कमज़ोर। तो कुल मिला के हम जा रहे हैं पैदल, दिखाता हूँ आप लोगों को। जुनैद भाई भी, कैसा लग रहा है जुनैद भाई नैनीताल? बहुत बढ़िया, नज़ारे बढ़िया हैं, बहुत मस्त एकदम। पैदल चल के कैसे लग रहा है तू बता दो? हमें तो बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा। हमें तो आदत है चलने की। अभी 2 मिनट हुए खाना खाए हुए और पानी भी दबा के पिया था, फिर दोबारा प्यास लगने लगी। बाकी बहुत प्यारा व्यू है चारों तरफ का माशाल्लाह। और रास्ते में जू को जाते वक्त
नैनी झील का कुछ इस तरह का खूबसूरत व्यू। बहुत प्यारा नज़ारा। तो दोस्तों ज़ू के बिल्कुल पास ही में पहुंच चुके हैं और ज़ू के गेट के पास से नैनीताल झील का और पूरे शहर नैनीताल का कुछ इस तरीके का व्यू है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू। और उधर सामने नैनीताल ज़ू का बोर्ड लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अभी आप लोग ले रहे हैं। और ज़ू के अंदर काफ़ी सारे जानवर हैं, शेर वगैरह, भालू वगैरह, दिखाते हैं सब कुछ आप लोग। लेकिन मौसम, अगर आप लोग भी आना चाहते हैं गर्मियों के टाइम में तो आ सकते हैं यहाँ पर। इस जगह पे आने के बाद में सुबह शाम में तो जैकेटें पहनने की नौबत है और दिन में भी इस टाइम पे बिल्कुल दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं, इस टाइम पे भी बेहतरीन मौसम है, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं है, फुल भरपूर धूप में खड़े हैं। दोस्तों आ चुके हैं बिल्कुल ज़ू के गेट पे। ये सामने आप लोग दिखा हुआ देख सकते हैं ज़ू, और इधर साइड में ही यहाँ पर टिकट मिलता है। चलिए चलते हैं आगे। और इतनी ऊपर आने के बाद में ज़ू से कुछ इस तरीके का व्यू है चारों तरफ का, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। दिन है आज 31 मई, दिन फ्राइडे। यह है ज़ू का टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोग टिकट लेंगे ज़ू में एंट्री होने का। और यह है ज़ू का बाहर का गेट, इसी गेट पे आप लोग टिकट दिखा के अंदर एंट्री करेंगे और इस रास्ते से अंदर की तरफ जाएंगे आप लोग। चलिए लेते हैं टिकट और दिखाते हैं आप लोग। ये टिकट काउंटर, टिकट काउंटर खुलने का समय 10 बजे से सुबह शाम 4:30 बजे तक का है, तो आप लोग जब भी आएँ तो टाइमिंग का ज़रूर ख्याल रखें। तो टिकट ले लिए हैं गाइस, 5 टिकट लिए हैं हमने। 100 रुपये का एक टिकट है, 5 मेंबर हैं हम, 500 रुपये का टिकट हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अंदर अब। तो ज़ू में अंदर एंट्री कर ली है। यह है कुछ अंदर का खूबसूरत नज़ारा, चलिए मैं आप लोगों को फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ ज़ू के अंदर का खूबसूरत व्यू, ठीक है? देखिए साहब, ये मोर है आपके लिए, शायद चाहे ये कुछ और है लेकिन फिर भी ये मोर है। वो घुस गया बेचारा, शर्मा गया। और इधर भी कुछ जानवर है, ये असील की मुर्गी है, देसी मुर्गी। हाँ बस थोड़ा सा असील के मुर्गे हैं, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें मोर और मुर्गी के बच्चों से शुरुआत करा दी, क्योंकि मुर्गी के बच्चे आपने अपने घर वाले ही देखे होंगे, ऐसे ज़ू के अंदर के मुर्गी बच्चे आप लोगों ने बहुत कम इसी देखे होंगे, इसलिए मैंने दिखा दिए। बाकी कमेंट बॉक्स में जो है हेट मत निकालना, मजाक था। चलो दिखाता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें। और पीछे है टाइगर रिजर्व, है ना पीछे, इधर टाइगर, वो दिखाता हूँ आप लोग। ये रास्ता है टाइगर रिजर्व में जाने का, इधर टाइगर दिखेगा आप लोगों को। चलिए दिखाते हैं, ये रास्ता है ऊपर जाने का। और बाकी ये ज़ू का चारों तरफ का खूबसूरत व्यू है। चलो चलते हैं फिर, आओ टाइगर दिखाते हैं आप लोगों को। 100 रुपये का टिकट है, 100 रुपये वसूल है, क्योंकि छोटे मोटे जानवर तो सब देखने मिलते रहते हैं, टाइगर देख के दिल खुश हो जाएगा क्योंकि जिंदा है। इस होटल है टाइगर, और ये पिंजरा बना हुआ है। और ये जो है नैनीताल ज़ू के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये है, इन पे आप लोग इन्हें अकाउंट को फॉलो करके यहाँ ज़ू से जुड़ी हुई वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। देख लो अपनी आँखों से टाइगर। देख लो गाइस, इसको देख के ना, रियल में देख के इसकी सेहत इतनी खतरनाक है, एक आध दो बंदों को तो तुरंत काम में ले लेगा। ओए,
मसला ये है, चक्कर इसीलिए लगा रहा है टाइगर, इन्होंने इसे पता है ना ये 100 रुपए खर्च करे इन लोगों ने, जरा थोड़ा जलवा दिखा दूं मैं, तो इसीलिए मजबूर है बेचारा अपनी कला दिखाने के लिए 100 रुपए वसूल करवा रहा है हमारे सबके। देखने वाले काफी हैं, मैं आप लोगों को करीब ले आया हूँ, करीब से देखें। हेलो, एक बार हो रहा है, सही है, ये जूम अभी इतना पास नहीं होता यार, इतना पास तो मत कर। अरे कहाँ वहाँ है उसका तो बात ही ओपन है बिल्कुल। देखो ये बैठने के बाद का पोस्ट टाइगर, अब चल चल के थक गया मेरा यार, आराम करने के मूड में। देखो ये आदत बिल्कुल सेम होती है कैट की तरह इसकी, जो इसे हिंदी भाषा में बोलते हैं ज्वाल करना, जैसे कि जानवर जो है ना कुछ खाने पीने के बाद में, ये जो है बिल्ली की तरह आदत है बिल्कुल इसकी भी, बिल्ली वाकई में इसकी मौसी बिल्कुल सही कही जाती है, इसी तरीके से जीप से जो है अपनी बॉडी को चाटते हैं बिल्कुल बिल्ली, और इसकी आदत बिल्कुल सेम है, देख सकते हो वीडियो। बैठने की हरकतें बिल्कुल मेरी बिल्ली शोनी की तरह, पर्शियन कैट है मेरे पास, बिल्कुल ऐसी हरकतें हैं इसकी भी, इसकी भी। ये जो इसके म्यूजियम के अंदर दोनों टाइगर हैं, एक टाइगर सो रहा है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टडी लिखी हुई है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, है ना, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है टाइगर की, कितना वेट है। एक और है, अब 4 दिन की और बची है, ये देख लो, ये बंगाली टाइगर है, 5 को ऑफिस बंद करने, ये है 5 को ऑफिस बंद करने, काफी हेल्दी है ये, मेरा यार दोबारा आ गया। हाँ भाई दोस्त, क्या हाल है, देख भाई दोस्त, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भालू देखने को मिलेगा, हिमालयन ब्लैक बियर, तो काफी देर इंतजार करने के बाद भालू देखने को मिला गाइस, ये है ब्लैक हिमालयन ब्लैक बियर, ये है भालू मेरे यार, इतना तगड़ा है, चला भी नहीं जा रहा, देख लेना ये मेरे यार नहाने के बाद, ये इस भालू की हवेली, इसी में रहता है, सामने मुझे सुरंग दिख रही है, अभी आया था कुछ देर के लिए चला गया, इसी में रहता है भालू। देखो भाई भालू फनी मोमेंट में आ चुका इस टाइम, देखो ये बॉल है पता नहीं क्या इसे खेल रहा है इस टाइम, देखो 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 खेलने के मूड में इस टाइम ये, देख रहे हो देखो देखो दांतों को मिसमिस आ रहा है, देख
दोस्तों ये जो है यहाँ पे हिरन है, इस टाइम पे अपने रूम में आराम कर रहा है हिरन, हिमालयन हिरन है यहाँ पर। और ये इनका रहने का सिस्टम है, इसका बर्ड भी लगा हुआ है हिमालयन गोरल है कि हाँ बैठी है, फिर भी लो ऐसे वसूल हो जाएंगे। ये बैठी हल्की आँख पे सीधी हिरन, इससे ज्यादा भयानक तो हमारे गांव की बकरियों में बकरी बैठा रहने दो। ये तो यार इससे ज्यादा भयानक तो गांव में बकरियों में सही है। और जू के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे से झील का नज़ारा कुछ इस तरीके का, और पूरे शहर नैनीताल का खूबसूरत व्यू आप लोगों के सामने। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों ये जो पिंजरा आप लोगों को दिख रहा है, इसके अंदर एक जो है नर गुलदार, इसको एक तरह से वो टाइगर था, ये टाइगर का भैया होगा कोई, नाम तो नहीं पता मुझे क्या कहते हैं, फिलहाल ये उसका घर है जिसे गुलदार बोलते हैं। देखते हैं दिखता है तो कहीं ना कहीं दिखाता हूँ आप लोग। ये इसका बर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ लेपर्ड, और इसका वेट वेट सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है गुलदार का रेस्ट रूम, और ये उसका नहाने का और पानी पीने का स्विमिंग पूल बना हुआ है। और उधर उस्ताद आराम कर रहे हैं, मामूली से आप लोगों को दिख रहे होंगे, सोते दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, वहाँ पे आराम कर रहे हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को फेस टू फेस मुलाकात करा के दिखा रहा हूँ। ये बैठा है दोस्तों लेपर्ड, आराम कर रहा है गर्मी में। ये इसका पिंजरा है, और एक वो देख सकते हो आप लोग, एक बार आराम कर रहा है मेरा भाई पड़ा हुआ, दिखा आप लोग नींद में है। इनके यहाँ रहने की अच्छी खासी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। इस पिंजरे के अंदर लेकिन सब आराम कर रहे हैं, एक वो पड़ा है और एक वो पड़ा है। ये इसका फोटो लगा हुआ है, यही है जो अंदर सो रहा है, इसका वेट वेट सब कुछ लिखा हुआ है। ये सारे जानवरों की लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर जो आप लोगों को इस ज़ू के अंदर देखने को मिलेगी। और ये बोर्ड जो लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है आगे आपकी प्रतीक्षा में, बोले तो इस जगह से थोड़ा सा आगे को चलने के बाद में आप लोगों को ये सारे जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी बहुत कुछ है देखने के लिए, देखते हैं अंदर, इस पर लिखा हुआ है चलते हैं अंदर। दोस्तों ये आदिवासी गेट अप है, देख सकते हैं, शायद इस फोटो को देख के लग रहा है कि जैसे पहले ये ऐसे थे, उसके बाद में जब थोड़ा सा सोसाइटी चेंज हुई तो उसके बाद में ऐसे हो गए, बाकी और बेहतर मैं नहीं जानता, फिलहाल मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ। ये लोग के औजार वगैरह होते थे जो आदिवासी लोग होते थे, और ये जो है मनुष्य कुछ इस तरीके के होते थे पहले, इस चीज़ को दर्शाया गया है। और आग जलाने का प्रयास कुछ इस तरीके से किया गया था, इसी तरीके से आग जलाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, पत्थरों से चिंगारियाँ लगाकर आग जलाई। और ये मनुष्य, और ये हड्डी टाइप की बनी हुई है, और ये पृथ्वी के आकार में बना हुआ है सब कुछ, और ये हमारे चांद का दृश्य, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। ये एक तरह का लाइफ ऑन अर्थ सारे गैलेक्सी के।
रुक जा। और यहाँ पर भी है टाइगर की मम्मी रखी हुई है, म्यूजियम टाइप का, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर में है। और ये इसका बेबी है शायद। और दूसरी साइड में कुछ इस तरीके का दृश्य है। और यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है। और इधर की साइड ये भी बहुत अच्छा व्यू है। ये पिछली बार में आया था आपसे 3 साल पहले, तो ये सब कुछ नहीं था यहाँ पे। इन चीज़ों का आविष्कार अभी करा गया है। ये हाल फिलहाल में रखी गई है यहाँ पर चीज़ें। काफ़ी खूबसूरत व्यू है दोस्तों फ्री में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो वीडियो को भी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन फ्रेश वाटर, यहाँ पर वाटर की जो हमारे पानी की क्वालिटी, इसके बारे में बताया गया है। और बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज पानी होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। सेफ वाटर, सेफ अर्थ, सेफ लाइफ। इंसान की ज़िंदगी के अंदर, बॉडी के अंदर जो है आधे से ज़्यादा बॉडी में पानी होता है। जू का जो पार्क टाइप का बना हुआ है, यहाँ से ये जू जो लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। और यहाँ पर ये पार्क टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पर ये लेक टाइप की बनी हुई है, इसमें फिश है, मछली, इसमें बड़ी खूबसूरत खूबसूरत देखो आप लोग मछली हैं जो दिख रही हैं आप लोगों को, बड़ी प्यारी मछली हैं। यहाँ पे मछली, काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। इस तालाब टाइप का बना हुआ है नैनीताल जू के, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, नैनीताल जू।